नमस्कार दोस्तों, मैं टैरो पूजा वर्मा लेकर आई हूँ 4 अप्रैल 2022 का राशिफल अपने टैरोस के द्वारा। आइए बात करते हैं एरिस यानी मेष राशि। आइए जाने मेष राशि के टैरो कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। मेष राशि वालों, हेल्थ का कल ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बदन में दर्द, सिर में दर्द, टांगों में दर्द रह सकता है। बात करती हूँ आपके काम की, तो कहीं ना कहीं बने बनाए प्रपोजल्स खराब हो सकते हैं। बात करती हूँ आपके रिश्तों की, तो बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं बैक बिचिंग हो सकती है। बात करते हैं टॉरस यानी कि वृष राशि। आइए जाने वृष राशि के टैरो कार्ड्स हमें क्या बताना चाहते हैं। वृष राशि वालों, हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। बात करते हैं जेमिनी यानी मिथुन राशि। आइए जाने मिथुन राशि के टैरो कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। मिथुन राशि वालों, लापरवाही नहीं करनी है, टाइम पर मेडिसिन लेनी है, सेहत का ध्यान रखना है। बात करते हैं आपके काम की, तो स्टेबिलिटी रहेगी, काम अच्छा रहेगा। उसके बाद बात करती हूँ आपके रिश्तों की, तो रिश्ते भी कल के दिन आपके अच्छे निभने वाले हैं। बात करते हैं कैंसर यानी कि कर्क राशि। आइए जाने कर्क राशि के टैरो कार्ड्स आज क्या कहना चाहते हैं। कर्क राशि वालों, हेल्थ अप एंड डाउन रह सकती है। बात करती हूँ आपके काम की, तो बहुत अच्छा रहेगा। नए आपको अप्रोच हो सकती है, नए आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ कल के दिन आ सकती हैं। बात करती हूँ आपके रिश्तों की, अननोन फियर्स की वजह से रिश्तों में दूरियाँ आ सकती हैं। बात करते हैं लियो यानी सिंह राशि। आइए जाने सिंह राशि के टैरो कार्ड्स हमें क्या कहना चाहते हैं। सिंह राशि वालों, कल का दिन आपका ठीक रहेगा, बेहतर महसूस करेंगे। कल के दिन काम आपके बहुत अच्छे रहेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ कल के दिन आ सकती हैं। बात करते हैं रिश्तों की, तो रिश्ते भी कल के दिन आपके बहुत अच्छे रहने वाले हैं। बात करते हैं वर्गो यानी कन्या राशि। आइए जाने कन्या राशि के टैरो कार्ड्स हमें क्या बताना चाहते हैं। कन्या राशि वालों, कल का दिन तो बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत खुश रहेंगे कल के दिन। कल के दिन आपके काम में एक नई सफुर्ति आने वाली है, नया आपके पास अपॉर्चुनिटी आ सकती है। बात करती हूँ आपके रिश्तों की, रिश्तों में भी बहुत अच्छी ग्रोथ रहेगी। बात करते हैं लिब्रा यानी कि तुला राशि। आइए जाने तुला राशि के टैरो कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। तुला राशि वालों, हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी कल के दिन। तुला राशि वालों, कल भगवान की पूरी कृपा रहेगी, नए काम के प्रायोजन्स बन सकते हैं, नई प्लानिंग्स हो सकती हैं। बात करती हूँ आपके रिश्तों की, तो एक नया कदम नए रिश्ते की तरफ उठा सकते हैं। बात करते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। आइए जाने वृश्चिक राशि के टैरो कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। वृश्चिक राशि वालों, हेल्थ का पूरा ध्यान रखिए। वृश्चिक राशि वालों, कल काम में भी कहीं ना कहीं उदासीनता रह सकती है। बात करती हूँ रिश्तों की, तो रिश्तों में भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन्स आ सकती है। बात करते हैं सजिटेरियस यानी कि धनु राशि। आइए जाने धनु राशि के टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। धनु राशि वालों, मिला जुला दिन रहेगा कल का आपका। बात करती हूँ काम की, तो काम की वजह से बहुत परेशान रह सकते हैं, बहुत हजल बजल होगा, मानसिक तनाव बढ़ सकता है। बात करती हूँ आपके रिश्तों की, तो नई सफुर्ती रहेगी रिश्तों में। बात करते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि। आइए जाने मकर राशि के टैरो कार्ड्स क्या बताना चाहते हैं। मकर राशि वालों, जितना हेल्थ के लिए नेगेटिव सोचेंगे उतना नेगेटिव होंगे, तो पॉजिटिव थॉट रखिए। काम के लिए डेफिनेटली कहीं जाने की योजना बन सकती है, या किसी के पास कोई प्रपोजल आ सकता है। बात करती हूँ आपके रिश्तों की, रिश्तों में कहीं ना कहीं मजबूरी वश आपको कोई कड़ा फैसला लेना पड़ सकता है। बात करते हैं अक्वेरियस यानी कुंभ राशि। आइए जाने
कुंभ राशि के टैरो कार्ड्स क्या कहते हैं। कुंभ राशि वालों, स्ट्रेस रहने वाला है, मानसिक तनाव रहेगा कल के दिन। बात करती हूँ काम की, तो काम कल आपका बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छे तरीके से कल के दिन आप अपने काम को अंजाम दे सकते हैं। बात करती हूँ रिश्तों की, रिश्ते भी आपके बखूबी निभने वाले हैं। बात करते हैं पाइसेस यानी मीन राशि। आइए जाने मीन राशि के टैरो कार्ड्स क्या कहना चाहते हैं। मीन राशि वालों, हेल्थ कल आपकी बहुत अच्छी रहेगी। मीन राशि वालों, काम में नई ऊंचाइयों को छुएंगे कल के दिन आप। उसके बाद बात करती हूँ आपके रिश्तों की, तो रिश्तों में भी कहीं ना कहीं नए मोड़ आने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें।